ने पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक में अगले कुछ घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोटा, बारा, बूंदी, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 6 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। ये जिले हैं अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और झालावाड़, जहां मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उधर राजस्थान में बिपरजॉय तूफान का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए अगले 3 घंटे मुश्किल भरे बताए हैं। बिपरजॉय तूफान राजस्थान पहुंचने के बाद कई जिलों के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद मौसम विभाग की तरफ से पाली, सिरोही, अजमेर और टोंक जिलों को रेड अलर्ट दिया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के इन जिलों में भारी बारिश के साथ तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की और लोगों को आगाह किया कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, जबकि बिपरजॉय तूफान पिछले 24 घंटे से राजस्थान में कहर बरपा रहा है। उधर राजस्थान के जालौर में बिपरजॉय तूफान की वजह से उपनाई नदी ने हाईवे पर आफत ला दी। भीषण बारिश की वजह से हाईवे के ऊपर से बह रही बामड़ी नदी के सैलाब में दर्जनों ट्रक फंस गए, जिसके बाद प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। बिपरजॉय तूफान की वजह से पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से जालौर में बहने वाली बामड़ी नदी ओवरफ्लो हो गई और उसका सैलाब दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर देखने को मिला। सामने देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रक फंस गई है। हाईवे, मेन हाईवे जो कांडला पोर्ट को कनेक्ट करता दिल्ली से, हाईवे पर बेहिसाब पानी की वजह से फंसे ट्रकों को निकालने के लिए सेना बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे सेना के जवानों ने सैलाब के बीच में फंसे ट्रकों में से उनके चालक और सहयोगियों को बाहर निकाला। उधर राजस्थान में बिपरजॉय तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से बारिश ने कई जिलों में हालात मुश्किल बना दिए और अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग ने 7 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। इसके अलावा मौसम विभाग ने अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और झालावाड़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी राजस्थान में भीषण बारिश और तूफानी हवाओं का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। पुष्कर में बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो चुका है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जहां निचले इलाकों में जलभराव एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं परिक्रमा मार्ग में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ तेज हवाओं के बाद गिर गया। नाग पहाड़ी से पानी आने के चलते सरोवर में 5 से 8 फुट तक पानी और बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते स्थानीय तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। लेकिन बरसाती पानी के साथ सीवरेज और नालियों का गंदा पानी भी सरोवर में गिरने से पुरोहित बेहद नाराज है। जोधपुर में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। जोधपुर संभाग के जालौर और बाड़मेर जिले में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इन जिलों के कई इलाकों में जलभराव के चलते सैकड़ों लोगों को शिफ्ट किया गया। जोधपुर के कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से वहां रहने वाले लोग मुश्किल में आ गए। बीजस इलाके में नटबस्ती में बने कुछ घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों को सारी रात पलंग पर बैठकर गुजारनी पड़ी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में भी तूफान का असर देखने को मिला। वहां पर तूफानी हवाओं की वजह से एक स्कूटर उड़कर बिजली के पोल पर जाकर फंस गया और तूफानी हवाओं के शांत होने के बाद जब लोगों ने स्कूटर को बिजली के खंभे में फंसा देखा तो वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हवा इतनी तेज थी कि उन्होंने भारी स्कूटर को भी तिनके की तरह उड़ा दिया। बताया गया कि जम्मू शहर में दोपहर के वक्त एक सलून के बाहर खड़ा स्कूटर तूफानी हवाओं की चपेट में आ गया और तूफान गुजरने के बाद लोगों ने उस स्कूटर को बिजली के पोल पर लटका हुआ देखा। भारी तूफान को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू तवी नदी के किनारे रहने वालों को भी सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की चेतावनी जारी कर दी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफनाई नदी सड़क के ऊपर से बहती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। भीषण बारिश की वजह से पुंछ के सखी मैदान और अड़ी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क के ऊपर से बह रही नदी के तेज बहाव में एक गाड़ी फंस गई। गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत ही गाड़ी के ड्राइवर का रेस्क्यू कर उसे बचा लिया। तेज बारिश की वजह से नदी इतनी उफना गई कि सड़क के ऊपर से बहने लगी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से ऐसे हालात में तेज बहाव के पास न जाने की अपील की। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित हेमकुंड साहिब में भी मौसम खराब हो गया। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
और हेमकुंड साहिब जाने वाले रास्तों पर बर्फ और बारिश की वजह से फिसलन हो गई, जिसकी वजह से हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद खराब हो गया। हेमकुंड साहिब के आसपास की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी दिखाई देने लगी, लेकिन इन सब के बीच हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का जोश बना हुआ है और हर दिन 2500 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। उधर बिहार में लगातार हो रही तेज धूप की वजह से लोग हीट वेव का शिकार हो रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पटना समेत बिहार के कई जिलों में हीट वेव की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई और अस्पतालों में भीषण गर्मी के शिकार लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हीट वेव के शिकार सैकड़ों मरीज हर दिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 दिनों में हीट वेव की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या की वजह से हीट वेव के मरीजों के लिए अलग से 3 वार्ड बनाए गए, लेकिन क्षमता से ज्यादा मरीजों का आना जारी है। हीट वेव को देखते हुए सरकार ने लोगों से दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर होंगे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में लगे लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वहां पर कई लोग अपने हाथों में पीएम मोदी के स्वागत वाले बैनर और पोस्टर लिए खड़े हुए दिखाई दिए, तो कुछ लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि जब पीएम मोदी वहां आते हैं तो उन्हें काफी गर्व महसूस होता है। लोगों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेशों में भारत का मान बढ़ा है। काफी खास रहने वाला और यहाँ उनके स्वागत के आने के 3 दिन पहले आप देख सकते हैं स्वागत की जो तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा भारतीय समुदाय यहाँ पर स्वागत की तैयारी में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। मैनहट्टन के टाइम्स स्क्वायर पर जो नजारे हैं वो देखकर कम से कम भारत की जनता यहाँ काफी अपने आप को मजबूत महसूस करती है। ये पुरुष हैं, महिलाएं हैं, मैनहट्टन के कई जगहों से आए हुए हैं, यहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर जमा हो रहे हैं। और मैं जगदीश भाई यहाँ पर वेलकम मोदी जी, हमारा जो रंग देखे हैं उसके साथ आपके लिए हमारा उमंग भी आप देख रहे हो। आज मोदी जी को वेलकम कर रहे सारे हिंदुस्तान के यूएसए के हमारे सारे दोस्त आए हैं। वेलकम मोदी जी, दिस इज एक्टर पटेल फ्रॉम यूएसए, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? जगदीश सेवानी। प्रधानमंत्री ने कितना ताकतवर बनाया है भारतीय पासपोर्ट को, भारतीय होने के नाते आप गर्व महसूस करते हैं आप लोग? अरे मुझे मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको डिस्क्राइब करूं कि 9 साल में जो भारतीय पासपोर्ट की इज्जत थी वो कितना गुना बढ़ गई है। आप देख रहे हैं आज फादर्स डे है, इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव कम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम मिली है। आज वो दिखा रहे हैं कि मोदी जी को कितना प्यार करते हैं डायस्पोरा। देयर आर नो वर्ड्स। मैडम आप कहाँ से? मैं हूँ तो काशी से, नेपाल से, अभी यूएस आ गई हूँ, महाराज लक्ष्मी हूँ।